स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको रात की बची हुई रोटियों से कुछ हेल्दी नाश्ता बनाना सिखाती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं रोटी का हांडवा। उससे पहले, अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हुई चार पांच रोटियां हैं। एक शिमला मिर्च, इसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक गाजर, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ कैबेज, इसे भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज का अनियन, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और कुछ धनिया की पत्ती। एक कप बारीक रवा, जिसे हम सूजी भी बोलते हैं, ये देखिए बारीक वाली है। अगर आपके पास जाड़ी है तो उसे आप मिक्सर में पीस करके बारीक कर सकते हैं। आधा कप दही। एक मिक्सर का बाउल लेते हैं, इसमें इन रोटियों को आप इसे हाथ से भी ऐसे तोड़ सकते हैं, सीजर से भी काट सकते हैं। पर फ्रेंड, आप ये बनाएंगे ना तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, ऐसे लगेगा रोज रोटियां बच जाएं और मैं ये बनाऊं नाश्ता बच्चों के लिए। अब इसे बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए, ये बारीक पीस चुका है। अब हम इसमें रवा डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, एक चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी, और इसे बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए, ये बारीक पीस चुका है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हम अब ओनियन डाल देते हैं, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज और खूब सारी धनिया की पत्ती। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड, इसमें दही जितनी खट्टी होगी उतना ही अच्छा लगेगा ये खाने में। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बेकिंग सोडा, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं। और इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। फ्राई पैन रखते हैं, एक चम्मच ऑयल डालते हैं, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है। इसमें राई डालते हैं, जीरा डालते हैं, तेल डालते हैं और करी पत्ता डालते हैं। इसके बाद हम इसमें बैटर डाल देते हैं। और इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। पांच मिनट के लिए और ढक देते हैं। ये हो गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने सारे हांडवे बना लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, अब हमारा रोटी का हांडवा तैयार है खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार खाएंगे तो इसे बार बार खाने का मन करेगा। इसे हम दही की चटनी और लहसुन की चटनी के साथ खाते हैं। वाव, सुपर, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।